वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। तो भाई काफी टाइम से मेरी एक सब्सक्राइबर है, मुझे कमेंट कर रही थी कि आप एक ग्लूपाटॉन का रिव्यू दें, ग्लूपाटॉन का रिव्यू दें। ग्लूपाटॉन जो है ना एक वायरल क्रीम है जो फौरन से गोरा कर देती है। आपको इंट्रो में मैंने उसके क्लिप भी दिखा दी है और वो यहाँ की नहीं है, वो इंडोनेशिया की है क्रीम है। ये मुझे मिली है 1759 को, क्या बोलते हैं उर्दू में, 5769 को। नहीं मानता, से पार्सल मंगवाया था ग्लूपाटॉन का और काफ़ी वायरल है प्रोडक्ट और इसके बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसका रिव्यू करना है, इसका रिव्यू करना है। ये बाकी पैसे वापस नहीं होगा आज में। फ्रंट पे एड्रेस है, वो नहीं दिखा सकते नहीं एड्रेस। मैं इसको खोलती हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसी है। मैंने उसको बोला भी था मैंने ऑर्डर की हुई है, मैंने ऑर्डर की हुई है, सबर करो सबर करो। वो हर वीडियो में 3-4 कमेंट कर देती है इसी से रिलेटेड, काफी ग्लूपाटॉन का रिव्यू दें, ग्लूपाटॉन का रिव्यू दें। इसका नाम है ग्लूपाटॉन व्हाइटनिंग इमल्जन और ये काफी ज्यादा वायरल है। इसकी डील चल रही थी, दो जो थे वो 3500 के थे और एक जो था वो 1700 का था। मैंने कहा फिर ये कौन से डील है भाई, दो 3500 के और एक 1759। ये क्या है डिलीवरी? तो मैंने एक ऑर्डर कर लिया, मैंने कहा एक में पहले पैसे रोड़ लेती हूँ, अगर सही हुआ तो फिर दूसरा मंगवा लूंगी। दोनों में पैसे नहीं रोड़ती, रोड़ने का मतलब समझ में आता है पंजाबी। अब मैं इसको खोल रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ वाकई में ही गोरा करता है कि नहीं करता। इसको बनाने का तरीका उन्होंने बताया हुआ है कि आप इसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना सकते हो। ये देखा है इसकी लैंग्वेज भी क्या है, कुछ समझ आया आपको? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, इससे लिखा हुआ है ग्लूपाटॉन स्किन व्हाइटनिंग इमल्जन अल्ट्रा प्लस GS120 एक्सट्रीम फोर्ट मिक्स इन स्किन व्हाइटनिंग क्रीम और लोशन बेस्ड टू इंड्यूस 120 एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्किन व्हाइटनिंग एक्टिव। क्या लिखा हुआ है, 30-60% व्हाइटनिंग क्रीम बेस्ड, 10-20% व्हाइटनिंग लोशन। क्या आपने इसको बनाना कैसे है, एड कैसे करना है, क्या कर रहे हैं, इसको मंगवाते हैं बाहर से, उसके बाद इसकी खुद से क्रीमें बना रहे हैं और इसको बेच रहे हैं और इसलिए काफी ज्यादा वायरल हुआ हुआ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसके पीछे जो ना इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक यूनिक ब्लेंड है 120 एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्किन व्हाइटनिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक क्रीम है व्हाइटनिंग, तो उसके अंदर मिक्स करके इसको लगा के दिखाती हूँ क्योंकि इसके अंदर है कि ये फौरन से रिजल्ट देता है। सबसे पहले आप देख लें इसका पाउच है, कितने ml है, ये हमें रिसीव हुआ है, इसके अंदर एक्सपायरी लिखी हुई है 2026 में एक्सपायर होगा, 500 ग्राम है ये। ठीक है, अब उसके बाद ये लॉक है, यहाँ से इसको खोलते हैं हम, सील खोल ली मैंने इसकी। अब इसको पहले मैं हाथ से What the hell? इसको मैं हाथ में निकाल के पहले आपको इसका टेक्सचर दिखा दूँ ना कैसा है। ओके, बहुत काम की चीज़ है, इससे मैं अमीर हो सकती हूँ क्रीम बना बना के बेच बेच के। ओके, इसको भी बंद करने लगी हूँ मैं ऐसे। ये इसका टेक्सचर है, ठीक है, इसको मैं ब्लेंड करती हूँ आपके सामने क्योंकि वो तो ऐसे लगाते हैं इसको और गोरे चिट्टे हो जाते हैं, एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा। ठहरे, मैं इसको पीछे करती हूँ। इसके अंदर किसी हार्मफुल केमिकल की खुशबू नहीं है, थोड़ी देर मिक्स करके देखती हूँ एब्जॉर्ब हो गया कि नहीं हो गया। ओके, एब्जॉर्ब तो हो गया है, देखें इसके अंदर ऐसी खुशबू है जैसी आपको आती है आरब्यूटिन के अंदर। आरब्यूटिन जो है ना वो वाइटनिंग एक सीरम या फार्मूला बोलते हैं जिसको वाइटनिंग क्रीम में काफी ज्यादा यूज होता है, तो इसके अंदर वैसी फ्रेग्रेंस है। इस हाथ पे मैंने लगाया और इस पे नहीं लगाया, अब आप मुझे बताना कि आपको कोई डिफरेंस फील हो रहा है। मुझे तो कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा। अब इसको लगाने के बाद ना ये मॉइस्चराइज लग रहा है, ठंडा ठंडा सा इफेक्ट दे रहा है ऐसा लग रहा है। ये इवन जो मुझे चोट लगी थी पिछले दिनों उसका स्कार्स भी नहीं इसने छुपाया, वरना दूसरी क्रीम लगाओ ना थोड़ा सा कवर कर लेता ही है। चले, मैं इसको क्रीम में मिक्स करती हूँ आपके सामने, लोशन और क्रीम दोनों में मिक्स करते हैं और रिजल्ट चेक करते हैं इसके क्या है। मैंने व्हाइटनिंग क्रीम और व्हाइटनिंग लोशन दोनों प्लेट में निकाल लिया। ठीक है, इसमें मेंशन है कि आप लोगों ने व्हाइटनिंग क्रीम में इसकी 60% बेस ऐड करनी है और व्हाइटनिंग लोशन में ऐड करनी है 20% बेस इसकी। ठीक है, आई थिंक जैसे हम सीरम लगाते हैं ना, व्हाइटनिंग सीरम लगाया और उसके ऊपर क्रीम लगाई, उससे क्या होता है हमारा एक दो टोन कलर फेयर जाता है अगर हम प्रॉपर यूज करते रहे वो चीज़, उसकी वजह से। तो अभी मैं इसके अंदर मिक्स करती हूँ आप लोगों के सामने ही इसको खोल के। वैसे अभी कितनी देर हो गई मुझे हाथ पर लगाए हुए, मुझे अभी तक तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आया, बल्कि मुझे लग रहा है ये वाला हाथ फेयर लग रहा है इसके निस्बत। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपको क्या लग रहा है, लेकिन अब क्रीम में मिक्स करके देखते हैं। पर एक बात है, 1700 रुपये का इतना महंगा जो ये आया है और इसको भी क्रीम में मिक्स करके यूज करना, तो डायरेक्ट क्रीम ही ना लगा लूं मैं। इसको क्यों लगाऊं फिर मैं बताएं, इतनी कौन सी मजबूरी आई है, आखरत आई है मुझे। ठीक है, अच्छा चले, मैं अब इसको 20% जितना लोशन की क्वांटिटी है ना उसकी क्वांटिटी से 20% मैंने ये डाला है यहाँ पे, और जो क्रीम है उससे ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना क्योंकि क्रीम से 60% क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छे से मिक्स करती हूँ और उसके बाद अप्लाई करके देखते हैं कौन सा चमत्कार होने वाला। आप कहेंगे नताशा भी इतना क्यों हंस रही है, क्योंकि ना मैंने उस बंदी को कमेंट में बताया था कि भाई इसके रिव्यूज ये हैं और ऐसे कोई भी चीज नहीं होती। आपको पता है व्हाइटनिंग इंजेक्शन कितने महंगे होते हैं,
उसकी भी गारंटी नहीं होती कि उससे बंदा गोरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई थी और मेरा वो मोबाइल की स्क्रीन टूट गई, वो वीडियो आज तक मेरे मोबाइल पे पड़ी है। तो डॉक्टर वाइटनिंग इंजेक्शन के साथ साथ आपको वाइटनिंग टेबलेट भी देते हैं खाने के लिए, वाइटनिंग सीरम, वाइटनिंग क्रीम और वाइटनिंग फेस वॉश। क्या आप इंटरनली इंजेक्शन भी लगवा रहे हो, एक्सटर्नली ऊपर से क्रीमें भी थोप रहे हो और उसके अलावा आप टेबलेट्स भी खा रहे हो, ओरल भी ले रहे हो, ये तीन चीजें करनी पड़ती हैं आपको। जैसे फाद मुस्तफा कलर फेयर हुआ है तो उसने ये तीनों चीजें की है प्रॉपर, और उसने यहाँ से तो करवाया है नहीं ट्रीटमेंट, उसने तो बाहर मुल्क जाकर करवाया, कोरिया या पता नहीं कहाँ से, तो ज्यादा अच्छे वाले प्रोडक्ट्स होंगे। तो यहाँ पे जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, पूछोगे कि भाई मैंने वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाना है तो मुझे बताएं इसका रिजल्ट है कि, डॉक्टर आपको क्लियर बोल देगी कि किसी पर रिजल्ट है किसी पर नहीं है, डिपेंड करता है उसकी स्किन के ऊपर। अक्सर लोगों को तो गुर्दे ही फेल हो जाते हैं वाइटनिंग इंजेक्शन की वजह से। तो ये देख लीजिए, लोशन भी मिक्स हो गया अच्छे से, क्रीम भी मिक्स हो गई। अब लोशन एक साइड लगाते हैं और क्रीम एक साइड लगाते हैं और डिफरेंस देखते हैं। मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ, सिर्फ लिपस्टिक के, आज तो मैंने मस्कारा भी नहीं लगाया हुआ। तो ये क्रीम और ये लोशन, अब इसको मिक्स करते हैं। या अल्लाह पैसे बचा लेना, प्रोडक्ट खरीदो उसका रिजल्ट ना निकले तो दुख भी बड़ा होता है, उसके बाद हस्बैंड भी बड़ा जलील करते हैं, तुम क्या फजूल की चीजों में पैसे वेस्ट करती रहती हो, ये वो फला डिमका। क्रीम में खुशबू थी ना, लोशन में खुशबू थी, इसकी इतनी तेज खुशबू है कि उसको लगा रही हूँ तो इसके भी मुझे खुशबू आ रही है। और ये कि थोड़ा सा ना ये एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, और ये मैंने ऑफिशियल जन का पेज है ना, ऑफिशियल वहां से मंगवाया, ये भी नहीं कि कोई कॉपी प्रोडक्ट, आपको पैकिंग से भी आइडिया हो रहा होगा। एक हाथ पे लगाती हूँ, क्रीम वाला लगा लेते हैं ये, एक हाथ में लगाते हैं, अंगूठी उतार के साइड पर रख देती हूँ और इस पर रिजल्ट देखते हैं इसके। जैसे वो वीडियोस में दिखाते हैं कि वो लगाता है उसके बाद थोड़ी देर बाद गोरा चिट्टा हो जाता है, ये आधे पे लगाएंगे ना नीचे से भी रिजल्ट नजर आ जाएगा। अब हमारी तो अपनी क्रीम इतनी अच्छी है जो मैंने इसके अंदर ऐड की है, मेरी फेवरेट क्रीम है, वही लगाती हूँ, मैंने रिव्यू भी किया हुआ इसका, थोड़ा बहुत रिजल्ट है ना क्रीम का ही है जो अपनी क्रीम मैंने लगाई है इसके अंदर, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। ये देखिए, ये लोग आपको पागल बना रहे हैं जो कह रहे हैं ना इसको लगाओ और गोरे हो जाओ। मैंने आपको बताया कि आप वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाओगे ना लाखों के, उस पर डॉक्टर बोलेगी कोई गारंटी नहीं है कि आपका रंग फेयर होगा कि नहीं होगा। हाँ, जो आपकी स्किन डबल टोन हुई हुई है वो ठीक हो जाएगी, आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी, क्योंकि जो ग्लूटाथियॉन जब आप इंजेक्शन लगवाते हो ना उससे आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो जाती है, क्योंकि ना आपको ग्लूटाथियॉन के साथ विटामिन सी का पूरा ड्रिप लेना पड़ता है अंदर, तो विटामिन सी से स्किन पर ग्लो भी आता है और जो आपकी डिस्कलरेशन होती है वो भी खत्म हो जाती है, और भी काफी सारे जो स्किन के इश्यूज चल रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, गोरे हो या ना हो। लोशन वाली साइड थी तो ये लोशन तो इतना फेयर करता नहीं है, बस मॉइस्चराइजर के तौर पे यूज होता है, तो आपको नजर आ रहा होगा इसका डिफरेंस। जो क्रीम थी ना ये उसका अपना रिजल्ट है, मेकअप प्रोडक्ट मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए इसके अंदर। ये देखें कुछ भी नहीं है, फजूल है, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट इसको लगा के दिखा दिया, जब ये कह रहे हैं क्रीम में आप इसको लगाएं इसके अंदर, हमने तो नहीं इंग्रीडियंट डाले, इसमें लिखा भी हुआ है, देखो मैंने कहा था ना जल्फा आर्ब्यूटिन की खुशबू आ रही है इसके अंदर, तो पहला जो इंग्रीडियंट है वो अल्फा आर्ब्यूटिन ही है इसके अंदर। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें जिसमें व्हाइट 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 लिखा हुआ है, कोजिक एसिड है वो भी व्हाइटनिंग के लिए यूज होता है। इसके बाद लिखा हुआ है ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन इंजेक्शन फॉर्म में वर्क करती है और टेबलेट फॉर्म में भी वो इतना अच्छा वर्क नहीं करती जितना इंजेक्शन फॉर्म में वर्क करती, क्योंकि इंजेक्शन डायरेक्ट लगता है आपको वेंस के अंदर। उसके अलावा जी इसके अंदर क्या इन्होंने डाला हुआ है, नैनो वाइट, बिको वाइट कॉम्प्लेक्स, कोबियो वाइट, इतने सारे जब चीजें डाली हैं हाथ पे लगाते के साथ डिफरेंट नजर आना चाहिए। मैंने अपने दिल की तसल्ली के लिए और अपनी जेब की तसल्ली के लिए इसको गर्दन पे भी लगा के चेक किया डायरेक्ट, कोई तो मुझे डिफरेंस नजर आया इसका, कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका पैसे बर्बाद हो गए मेरे जिंदगी। तो बस यार मेरी तरफ से तो नॉट रिकमेंडेड है प्रोडक्ट, आपके पास बहुत ही देश के पैसे हैं तो आप लोग ले सकते हो इसके, आपके पास बहुत फालतू पैसे हैं, आपको ख्वारिश हो रही है कि पैसे कहीं लगाऊं तो इसको लगा लो आप पैसे, और जब आपके पैसे बर्बाद होंगे फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप ही हमारे ही पैसे बर्बाद होगा, क्योंकि मैंने ग्रीन मास्क का रिव्यू किया था और कल भी मुझे उस पर कमेंट आया था कि आपने मेकअप किया हुआ है मेकअप के बगैर रिव्यू करते तो फिर पता चलता, मैंने कहा खरीद लो, खरीद के खुद रिव्यू करो और जब पैसे बर्बाद होंगे फिर जाके कमेंट करना कि थैंक यू आप ही आपने सही बताया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।